महेंद्रगढ़ के राम तुलाराम चौक पर बाइक सवार हथियारों से लैस 10 बदमाश हमलावरों ने दो नौजवान युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने दोनों युवकों को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और फिर एक बदमाश ने अपनी पिस्तौल निकालकर एक युवक की आंख पर गोली चला दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे युवक भी उस दौरान घायल हो गया और हमलावर मौका देखते ही वहां से फरार हो गए। वहीं घायलों को PGI रोहतक रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और टीमों का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी। बाइक की सर्विस करवा रहे थे तुलाराम चौक पे, उसके पास मैं गया, थोड़ी देर बातचीत हुई, इतनी देर में बंदे आ गए, 10 बंदे कुकू की कालर पकड़ी, उसने कालर पकड़ते के साथ मैं बीच में पड़ गया। किस लिए कालर पकड़ी? उन्होंने मेरे सिर में गुल्ली डंडा मारे, उसके बाद मुझे थोड़े चक्कर से आ गए, मैं हो गया साइड में, उसके मारने लग गए कुकू के, फिर उसने पिस्टल निकाली और उसके आँख में लगी, आँख में लगे उसके ज्यादा सीरियस हो गया, गोली लगी आँख में। उस वो काफी सीरियस कंडीशन में था, उसके मुंह से भी ब्लीड हो रही थी एंड ही वाज अनकॉन्शियस और फिर उसकी लेफ्ट साइड टोटली डैमेज थी और वो अनकॉन्शियस था तो उसकी तो बहुत सीरियस कंडीशन थी, BP पल्स भी अनरिकॉर्डेबल थे। सो आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड वी रेफर्ड हिम टू PGIMS रोहतक फॉर फर्दर मैनेजमेंट एंड केयर। अभी बताया पुलिस हमारी ना टीमें बना दी गई है, टीमें ना लगी हुई है, जिसके भी नाम हमारे पास आए हैं तो उनके पीछे लगे हैं। अभी थोड़ा ना इसमें थोड़ा जांच के बाद ही ना पूरा पता लगेगा कि एक्चुअली किस बात पे झगड़ा है, क्या मामला था, तो उसमें बाद में इस चीज को बताएंगे आपको। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।